पुलिस सिख बटालियन के इनके साथ आए हुए डीवाईएसपी और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देश भक्ति अब के ही है और पाकिस्तान दे रहा है। अब छोटी छोटी रोटियां चलेगी बाद में कारण है सहा लेकिन मेरे घर की तो रोटियां चलेगी मेरे घर की तो रोटियां इसी स्कूल की जारा मुश्ताक मुकदस हायर सेकेंडरी स्कूल बड़े आशिया पर से अपना एंडोजन स्कूल मेंडो से अनुभव किया बड़े ही अच्छे सुनों का इतने अंदाज से रोशनी डाली मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बेटा बताएं जी मैं गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में डिस्ट्रिक्ट क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम तनम नाज है। तो आज हम यहाँ बॉयज़ स्कूल में हैं। यहाँ पे एक जो जे एंड के आर्म पुलिस की तरफ से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन। तो इसका मतलब है खूब बलवतनी का जज्बा पैदा करना यानी कि देशभक्ति। तो असल में ये प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है खास तो आजकल की जो यूथ है उनके दिलों में ये जज्बा पैदा करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे प्रोग्राम और भी बहुत होने चाहिए जो हमारे जिन्होंने जो शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए बहुत सी कुर्बानी दी उन्होंने और हमें आज़ादी दिलाई है तो हमें हमेशा उनको याद करना चाहिए और ऐसे प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है ताकि आजकल के जो यूथ हैं जो यंगस्टर्स हैं वो सब इन चीज़ों से जान सकें उनके अंदर ये जज्बा हो कि हम भी कुछ करें वो भी अपनी देशभक्ति साबित करें और कुछ ना कुछ देश के लिए कर दिखाएँ। और क्या कहेंगे हेलो माय नेम इज़ तौहीद अली खान एंड टुडे वी आर विटनेसिंग अ स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बाई जम्मू एंड कश्मीर आर्मर्ड पुलिस हियर। टुडे वी आर रिकॉलिंग द लॉस्ट स्टोरीज ऑफ अवर इंडियन पेट्रियॉट्स। वी आर रिमेम्बरिंग दो स्टोरीज एंड रिकॉलिंग दो स्टोरी फॉर अवर न्यू जनरेशन्स। तो आज जम्मू कश्मीर आर्मर्ड पुलिस की जानिब से एक स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन हुआ जिसमें वो शहीद के जिन्होंने अपनी जान इस देश के लिए कुर्बान कर दी उनके नाम से ये एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ यहाँ पर। तो इसमें तकरीबन 20 स्कूल थे पार्टिसिपेट किया उन्होंने तो उनमें से 20 स्कूल में से दो स्टूडेंट मतलब तकरीबन 40 पार्टिसिपेट थे इधर तो हमने भी इसमें पार्टिसिपेट किया बड़ा अच्छा लगा। ये उनके लिए है कि जिन्होंने अपनी जान इस देश के लिए शहीद कर दी। शुक्रिया। देखिए आज हम यहाँ पर एक सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत यहाँ पर जो है देशभक्ति से रिलेटेड स्टोरी टेलिंग कंपटीशन रखा हुआ है हमने यहाँ बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल मेंढर में। तो यहाँ पर जो है इस मेंढर सब डिवीज़न के जो है 20 के आसपास जो है स्कूल आए हुए हैं बच्चे जो है यहाँ पर अपनी अपनी स्टोरी लेके आए हुए हैं स्टोरी टेलिंग कम्पटिशन में बड़े जो यहाँ जोश व खरोश के साथ जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस सारे स्टोरी टेलिंग कंपटीशन का हमारा जो मकसद ये है कि लोगों को एक मैसेज देना कि किस तरह से हमारे जो आज़ादी के परवाने थे या उसके बाद जो भी आज़ाद भारत के में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और किस तरह से हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है अपने सोसाइटी के लिए अपने नेशन के लिए और अपने लोगों के प्रति हम अपनी अपनी जो जिम्मेदारी को निभाएँ और ऐसी चीज़ें जिस जो कि हमें देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित करती हैं लोगों को जो है देशभक्ति के लिए एक मैसेज देती हैं उनको जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो फैलाएं और ये एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा लोगों के लिए बच्चों में भी जो है अपनी हिस्ट्री को पढ़ने के लिए नई नई स्टोरीज पढ़ने के लिए और ग्रेट पर्सनैलिटीज़ जो हुई है उनके बारे में जानने के लिए ये एक अच्छा मौका है। इस मौके पर हमारे जो बहुत सारे यहाँ के मोजिज आए हुए हैं तमाम स्कूलों के टीचर साहिबान हैं और आज के यहाँ चीफ गेस्ट जो हैं बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल मेंढर के प्रिंसिपल साहब जो हैं वो भी यहाँ पर हैं वो एज चीफ गेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। और हमने जूरी मेंबर्स रखे हुए हैं लोगों को जो है यहाँ पर प्राइज़ दिए जाएंगे सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और मकसद यही है कि घर घर तक इस मेंढर के एरिया तक ही नहीं बल्कि इस मीडिया के थ्रू भी बाहर तक जहाँ तक भी इस मीडिया के थ्रू हमारी आवाज़ जाए कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है लोगों के साथ हैं हम लोगों के हर काम के लिए चाहे सिक्योरिटी से रिलेटेड हो चाहे उनमें जो अच्छी भावनाएं पैदा करने के लिए कोई काम हो पुलिस हमेशा उनके साथ है और हम सब जो है मिलके यहां के तमाम स्कूल व पुलिस डिपार्टमेंट मिलके इस काम को बड़ा अच्छा तरीके से सरंजाम देंगे।